ये जो जगह निकली इसका नाम क्या है? तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड, और मैं हूँ इंडियन गर्ल इन यूरोप। जो कि यूरोप और जर्मनी से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, और मेरे साथ हैं मेरे पति, लाइक इंडियन गर्ल इन यूरोप के पति। हम दोनों आज एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसा स्टेशन जो हमको इतना क्यूट लगा, फेरी स्टेशन जैसा लगा, और ये टाउन ही फेरी टाउन जैसा लगा। तो हमने सोचा हम आपको ये प्यारी सी जगह दिखाते हैं। वैसे तो जब मैंने ये स्टेशन देखा और उसके पास का टैटैटैटैम, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको वीडियो देख के पता चलेगा, वो देखा तो मुझे लगा कि यार इतनी भी सुंदर कोई जगह जर्मनी में है। बट देन जब मैंने ये पूरा एरिया एक्सप्लोर किया तब मुझे पता चला यस। ये देखो हम हैं स्टेशन पर। सामने से एक विलेज है, वहाँ से रोड आती है, और ये स्टेशन है। क्वाइट नॉर्मल है ना, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। लेकिन अभी देखो यहाँ पर आगे जाकर एक लास्ट होटल है, डेड एंड है, ख़त्म, कुछ नहीं है विलेज का। और इसके सामने क्या है, तो गाइज आई डोंट नो आपने कभी भी ऐसा कोई स्टेशन देखा होगा जो एकदम एंड ऑफ द सिटी है और उसके बाद लेक ही लेक है। हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं वो जो स्टेशन है वो हमारे पीछे ही है। स्टेशन जगह है, उसका नाम है ज़ेब्रुक, और ज़ेब्रुक बानोफ, बानोफ जो होता है स्टेशन होता है जर्मन में। तो ये देखो, और यहाँ पर रोड जो है वो एंड हो रही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और लेक ही लेक है इस तरफ, पूरा लेक ही लेक, लेक ही लेक। सो दिस इज़ द स्टेशन। अभी यहाँ पर ट्रेन्स नहीं आ रही हैं, पुरानी ट्रेन्स है, शायद ये स्टेशन जो है वो बंद हो गया है मुझे लग रहा है यहाँ पर। और आई फाइंड दिस स्टेशन रियली इंटरेस्टिंग। तो ज़ेब्रुक और जिस होटल में हम रुके थे उसके बारे में तो हमने लास्ट में आपको बताया ही था, एंड दिस बानोफ जिस जो स्टेशन बोलते हैं जिसको, इज़ रियली ऑसम। ऐसा कोई स्टेशन तो मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, एंड आई एम जस्ट लविंग इट, लविंग इट। काश हमारे यहाँ भी ऐसा कोई स्टेशन होता। देखो एंडलेस लेक, ये जो लेक है, जो एंडलेस लेक है, ये ब्लैक फॉरेस्ट का सबसे लार्जेस्ट लेक है। ऑफ कोर्स टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आते हैं, पर इस लेक में नहीं आते, दूसरे लेक में आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। और जो स्लुस है, मतलब इस लेक का नाम है स्लुस ज़े, ज़े मतलब लेक होता है, जो मैंने पहले पार्ट में भी दिखाया। स्लुस का मतलब ही होता है क्लोज एंड या फाइनल। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो बोल रही हूँ एंड ऑफ द रोड पे ये स्टेशन है, जो कि सही है। बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा, ये बहुत ज़्यादा आउटर में था। लाइक जब हम लोग रोड से आ रहे थे तो बहुत आउटर दिख रहा था, और हमें लग रहा था हमने कहाँ पर अपना होटल बुक किया है। एंड तब भी यहाँ पर बसेस आ रही हैं, ट्रेन स्टेशन जो है वो टेम्पररी बंद है, पर यहाँ पर ट्रेन्स भी आती हैं।
हम लोगों को कुछ पुरानी ट्रेन्स देखने मिली, हम लोगों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देखने मिला या ऐसा स्टेशन देखने मिला या ऐसा गांव या टाउन देखने मिला जो हमने कभी भी ट्रिप स्टार्ट करने से पहले इमेजिन नहीं किया था। इसलिए ही है इस सीरीज़ का नाम एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड, बिकॉज ये हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि हमने भी कभी जो है एक्सप्लोर नहीं किया था। और आई होप आप लोग भी कभी ना कभी यहाँ पर आओगे और इसको एक्सप्लोर करोगे। चलो अंदर जाकर देखते हैं क्या है। इधर से जो मेन एंट्रेंस है वो बंद है टोटली, ये बस स्टॉप है, यहाँ पे बसेस आती हैं, लोग यहाँ खड़े होते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ के लिए, शायद ये विलेज का बस स्टॉप होगा, अंदर विलेज में जगह नहीं होगी। और ये देखो This is how it looks like from inside. Trains आती हैं क्या सुरभिया? आती हैं। Maybe I never knew what I really wanted. But looking back, I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me. But nothing makes sense anymore. ट्रैक पे तो इन्होंने ये लगा के रखे हुए हैं, दैट मींस कि ये बंद है, बंद है, पुराना स्टेशन है, पर रेल ट्रैक की सिचुएशन तो काफी अच्छी है। एक पैसेंजर दिखा मुझे, ये खड़ी सामने। मैडम कहाँ जाना है आपको, इंडिया? हाँ यहाँ से ट्रेन जाती है डायरेक्ट। वाह ये स्टेशन वर्किंग नहीं है तो भी इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने। ये पागल हो गई, कैमरा बंद करके बोल रही है, ये देखो दिस इज अ साइकिल स्टैंड। ओह ट्रेन की अनाउंसमेंट चल रही है, इसमें लिखा हुआ है किसान टंगवानो। ओके टेम्प्ररी बंद किया हुआ है स्टेशन, सॉरी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से टेम्प्ररी बंद किया हुआ है और सारी सर्विसेज बस के थ्रू ऑपरेट हो रही है। सुरभि ये स्टेशन एक्टिव है, ट्रेन चलती है इसमें, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से इसको टेम्प्रेरी बंद किया हुआ है और सारी सर्विसेज बस के थ्रू चल रही हैं, इसलिए बसेस आ रही हैं यहाँ पर लिटरली। मतलब ये देखो ये रेलवे ट्रैक, ये प्लेटफॉर्म और ये बगल में, ओहो ये है स्टेशन। एक्चुअली यहाँ से आपको दिखेगा एक स्टेशन ऐसा भी जो एंड हो रहा है, कुछ भी नहीं है यार यहाँ पर, एंड ये जर्मनी में है, एंड हम लोगों को तो पता भी नहीं था, मैंने सिर्फ बुक किया एंड हमें ये अमेजिंग जगह दिखी, पूरा ब्लैक फॉरेस्ट एरिया है पूरा।
Wow, Deepak, what a drive! Awesome. कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। ये जो जगह निकली इसका नाम क्या है? आहा। ये जिस जगह से हम निकले उसका नाम है AHA, आहा। आहा। पहुंच गए? Maybe I never knew what I really wanted. So guys, do not forget to like, share and subscribe. And next part में मिलते हैं, दूसरी जगह explore करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करना, और मैं सारी डिटेल्स जो है ट्रिप की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी, लाइक लोकेशन एंड ऑल। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। रिलेटेड क्राइम किया था इसलिए सिटी पूरी डूब गई थी फ्लड में।